हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल एलिमेंट्री कनाल के कितने पार्ट्स होते हैं, नहीं? द बक्कल कैविटी, फूड पाइप और एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लास्टली एंड होता है किसमें, रेक्टम में, और उसके बाद एनस, है ना? तो ये सारे पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कनाल के। इनके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल में, जो कि कौन कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। ये तीन ग्लैंड होते हैं जो कि जूस निकालते हैं, जो डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को, ठीक है? तो अब हम देखेंगे, आप देखिए यहाँ कि कैसे हमारा ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव कनाल है, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है? सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि एसोफेगस है, एसोफेगस से स्टोमक है, देखिए स्टोमक है, और स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर है, लीवर कहाँ है, ऊपर है, उसके नीचे ही गॉल ब्लाडर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और पैनक्रियाज है, और लार्ज इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबके बारे में हम धीरे आगे पढ़ेंगे एक एक करके, रेक्टम है और एनस है, ठीक? तो ये हमारा एलिमेंट्री कनाल है जो कि एसोफेगस से शुरू हो करके एनस तक आता है, ठीक है? तो अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले माउथ कैविटी से, ठीक है? माउथ कैविटी जो है वो हमारा माउथ कैविटी, ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, टीथ होता है, टीथ होते हैं और टंग होता है ना? एक कैविटी की तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें टीथ होते हैं, जो फूड को चबाने के काम आते हैं, है ना? काटने, चबाने, फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है? तो अब ये टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टीथ जो है, या हमारा जो माउथ है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन का पहला प्रोसेस यहाँ शुरू होता है जिसमें इंजेशन बोलते हैं। तो फूड का जो टेकिंग किया जाता है, फूड को हम मुंह में डालते हैं, तो उसको टुकड़े टुकड़े में काटता है कौन, टीथ, है ना? तो टीथ उसको टुकड़े टुकड़े में काटता है, चबाता है, चबा करके उसको एकदम महीन कर देता है, और उसी समय हमारे माउथ में जो पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि सलाइवा जो निकालते हैं, लार जिसको हम बोलते हैं, वो निकालते हैं, और जैसे ही फूड को हम अंदर रखते हैं, फूड को देखते हैं, वैसे ही हमारे मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर इंटरेस्टेड, बहुत ही बढ़िया खाना आपको दिखाई देता है, उसका स्मेल आता है अच्छा सा, तो आपके मुंह में लार आना शुरू हो जाता है, है ना? तो ये क्यों आता है, क्योंकि अब वो ब्रेन को मैसेज जाता है कि फूड आ रहा है, और अपने सलाइवा को तैयार रखो, और उसको चबाने में तुम्हारा हेल्प करना है, ठीक है? तो ये सलाइवा निकलता रहता है, और जब हम फूड को लेते हैं तो टीथ उसको क्या करता है कि कुचलता है, खूब पीसता है, और टंग क्या करती है, तो टंग पूरे खाने को उलट पुलट करती है, इधर से उधर करती है, और उसको मिलाते हुए और खाने को आगे बढ़ाता जाता है, ठीक है? अब माउथ में जो ये टीथ हैं, ये कितने तरह के होते हैं, तो चार तरह के होते हैं। पहले आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए माउथ में क्या क्या पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंसीजर बीच में का टीथ है। इंसीजर देख रहे हैं कि सेंट्रल इंसीजर है और लैटरल इंसीजर है, दो तरह के, चार तरह के इंसीजर होते हैं, दो बीच वाले होते हैं और दो उसके साइड वाले होते हैं, चार होते हैं, चार इंसीजर होते हैं। ये इंसीजर क्या करते हैं, तो चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। नहीं, आप एप्पल खाते हैं तो इंसीजर से ही ना काटते हैं, तो बाइटिंग के लिए होते हैं। उसके बगल में आप देख रहे हैं कनाइन है, कनाइन जो होता है नुकीला वाला दांत होता है, जो कि नुकीला रहता है, जिससे कि हम कोई चीज़ को चीरते हैं, नहीं फाड़ते हैं, ठीक? उसके बाद फर्स्ट प्रीमोलर, कनाइन के बाद दो फर्स्ट प्रीमोलर्स होते हैं, जो कि थोड़े थोड़े चौड़े होने लगते हैं, चौड़े रहते हैं और थोड़े पतले भी होते हैं, नहीं? तो ये फर्स्ट प्रीमोलर हैं। उसके बाद सेकंड प्रीमोलर्स होते हैं, वो भी थोड़ा सा और चौड़ा हो जाते हैं,
उसके बाद सेकंड मोलर मोलर आता है, फर्स्ट मोलर आता है और उसके बाद सेकंड मोलर आता है, यानी कि दो चौड़े चौड़े टीथ होते हैं जो कि एकदम फ्लैट होते हैं, है ना। और उसके बाद लास्ट में आता है थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं, है ना। विजडम टूथ यानी कि ज्ञान वाला दांत, जिसको बोलते हैं बुद्धिमानी का दांत बोलते हैं। तो टीथ हमारे लाइफ में, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में दो टाइप के होते हैं, एक टेम्पोररी टीथ एंड एक परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ को मिल्क टीथ भी बोला जाता है, जो कि बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने के बाद आ जाते हैं और वो नंबर में 20 ही होते हैं, और जब 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनका दांत टूटते हैं और टूट करके परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो कि उनके लाइफ लॉन्ग रहते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के टीथ हो गए, और इन दो तरह के टीथ टाइम के हिसाब से और इनके काम और नाम के हिसाब से देखें हम, तो ये चार टाइप के हो गए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो ये 32, अब परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। विजडम टीथ 24-25 ईयर्स में निकलते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं बुद्धिमानी का दांत, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये टीथ टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है।